धौलपुर जिले के भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व वाइस चेयरमैन मुश्ताक कुरैशी पर हुए प्राणघातक हमले का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नकाबपोश करीब एक दर्जन युवक लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हुए वीडियो वायरल में करीब एक दर्जन नकाबपोश युवक एक गाड़ी में सवार होकर हाईवे संख्या 3 पर स्थित एक ढाबे पर आए, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे। बदमाशों ने जहां से एक व्यक्ति को पकड़कर बाहर सड़क पर ले आया और उस बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। वहीं भाजपा सांसद ने व्हाट्सएप पर एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा है, शहर मंडल अध्यक्ष भाजपा मुश्ताक कुरैशी के ऊपर हुए प्राणघातक हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों ने 2 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा धौलपुर में आंदोलन करेगी। बताया जा रहा है कि मुश्ताक कुरैशी और जहूरा के बीच पशुओं के को लेकर विवाद था, जिसमें जहूरा पकड़ में आ गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर में एसपी और कलेक्टर ऑफिस के नजदीक 5 बजे सुबह भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर कुछ नकाबपोश बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये जानकारी, ये वीडियो मुझे अभी मिला। इसके लिए मैंने अभी एसपी धौलपुर से बात की है। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक मुश्ताक कुरैशी है और एक जहूर है, दोनों के बीच में विवाद है पशुओं की हाट को लेके। एक ने नीलामी में बोली ज़्यादा लगा दी, दूसरे ने कम लगा के और अपने फेवर में ले ली। एक ने कम लगाई, दूसरे ने ज़्यादा लगा के अपने पक्ष में करा ली। इस बात को लेके आपस में विवाद की स्थिति थी और इसको लेके सुबह सुबह मुश्ताक के साथ में कुछ लोगों ने, जिसमें जहूरा और उसके लोग थे, मारपीट कर दी। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। पुलिस द्वारा जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनके घरों पे और संभावित स्थलों पे दबिश दी गई, जिसमें जहूरा पकड़ में आया है, उससे गहनता से पूछताछ जारी है।